हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज है 20 जून, ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, 20 जून के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो जैसे कि ये कुछ डेज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हैं जून के, ठीक है, जैसे जो कि हमें पता होने चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे डेज ये, ठीक है। तो एक बार हमें रिवाइज करना है, ठीक है, कि कब कब कौन सा डे मनाया जाता है। तो फर्स्ट है, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, ये मिल्क है, मिल्क डे, ठीक है। 1 जून को मनाया जाता है मिल्क डे, ठीक है, और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, ठीक है, 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, ठीक है, और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है, और 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, और 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है, और 11 जून को मनाया जाता है ग्रीन मिजोरम डे, ठीक है, और 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ, ठीक है, ये डे मनाया जाता है, जो लेबर करते हैं, जो बाल श्रम लेबर होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे को काम करवाते हैं उनके खिलाफ मनाया जाता है ये, ठीक है, 12 जून को, और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, और 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, और 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूगी डेज, ठीक है, और 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जून के, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज के पहला क्वेश्चन हमारा, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन से, ठीक है, यूएनएससी, ठीक है, फॉर विच ईयर, ठीक है, भारत किस वर्ष के लिए यूएनसी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, जो अभी इलेक्शन हुए थे 17 जून को, ठीक है, जिसमें नॉन परमानेंट में इंडिया इलेक्ट हुआ था, ठीक है, जो 10 मेंबर होते हैं, ठीक है, टोटल होते हैं 15 मेंबर, ठीक है, 5 होते हैं वीटो पावर वाले, ठीक है, और बाकी होते हैं 10, ठीक है, तो उन्हीं में से एक हमारा भारत देश है, ठीक है, जो 8वीं बार है, ठीक है, तो वो उसका कार्यकाल कब से कब तक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब से शुरू होगा, वो शुरू होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, 21 से लेके 22 तक होगा, ठीक है, 2 साल, ठीक है, 21 से 22 तक होगा, ठीक है, 21 में शुरू होगा और 22 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चीन भारत की झड़पों के बीच सरकार तत्काल आधार पर कौन से लड़ाकू विमान खरीदेगी, ठीक है, जब चीन से अगर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो कौन से अभी खरीदने वाले हैं, ठीक है, लड़ाकू विमान, ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, MiG-29, ठीक है, और SU-30, ये खरीदने वाले हैं, ठीक है, भारत। आगे है, रिसेंटली सैटेलाइट मिसिसियस, ठीक है, मिसियस वॉज इन न्यूज, इट वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो मिसियस ये सैटेलाइट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चाइना के द्वारा, ठीक है, चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2016 में, ठीक है, 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये कैसे लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया था पार्टिकल के द्वारा, ठीक है, पार्टिकल्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और बाकी होती हैं जो सैटेलाइट वो लॉन्च की जाती हैं वेव की तरह, ठीक है, वेव के जरिए, ठीक है, तरंगे के जरिए, और ये वाली लॉन्च की गई थी पार्टिकल्स के जरिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले ये चाइना, ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, ठीक है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और करेंसी क्या है, युआन है, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग, ठीक है, और कंटेंट कौन सा है इसका, एशिया है, ठीक है, एशिया कंटेंट है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए थे, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से बताना है कि जो राज्यसभा का भी हाल ही में चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उसको कौन से आर्टिकल में राज्यसभा आता है, आपको ये बताना है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में राज्यसभा आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में, ठीक है, 80 में आता है राज्यसभा, और 79 में आता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये आप इसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, और इसको बोलते हैं लोकसभा को लोअर हाउस, ठीक है, जिसमें कि टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं, ठीक है, 245, ठीक है, 245 टोटल मेंबर होते हैं, ठीक है,
और इनमें से जो 233 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है 233, ठीक है 233 इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड 233, और जो 12 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है वो होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है और वो 12 होते हैं, ठीक है तो ये टोटल हो जाते हैं 245, ठीक है 33 होते हैं इलेक्टेड और 12 होते हैं एंग्लो इंडियन राज्यसभा के, ठीक है तो कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 80 में। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2020 हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया था, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से बताना है कि किसने जारी किया था ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है UNHRC, ठीक है इसके द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR, ठीक है को कोरोना के खिलाफ चरण 3, ठीक है फेज 3, ठीक है परीक्षा के लिए कौन सी दवा के उपयोग की मंजूरी मिली है। ठीक है यहाँ पे आपको बताना है कौन सी दवा के लिए मंजूरी मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है यूमी फेनोविर, ठीक है ये दवा को अनुमति मिली है, ठीक है इसका उपयोग पहले ही रूस और चाइना कर चुके हैं, ठीक है तो इसलिए ये सेफ है, रूस और चाइना पहले इसका उपयोग कर चुके हैं, ठीक है इसके लिए यूज़ किया है इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है इन्फ्लुएंजा के लिए पहले ही इसका यूज़ कर चुके हैं, ठीक है तो इसलिए ये सेफ है। ठीक है तो अगर पूछा जाएगा किसका किसको अनुमति मिली है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है यूमी फेनोवर, ठीक है इसको मिली है अनुमति, ठीक है कोविड के लिए। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट हैज कट ऑफ ट्रीटमेंट प्राइस फॉर कोरोना इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, किसमें आप प्राइस कम किए गए हैं, ठीक है ट्रीटमेंट के लिए कोरोना के, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी सी करेक्ट होगा, ठीक है दिल्ली, ठीक है दिल्ली में प्राइस कम किए गए हैं, ठीक है जो कोरोना के लिए ट्रीटमेंट होगा, ठीक है उसमें प्राइस कम किए गए हैं, ठीक है जैसे कि पहले 4,000 था, ठीक है और तो अभी इसको कम कर दिया गया है, ठीक है तो दिल्ली में सीएम कौन है, सीएम है अरविंद केजरीवाल, जैसे पता होगा आपको, ठीक है और गवर्नर, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर कौन है अनिल बैजाल, ठीक है अनिल बैजाल, ठीक है ये हैं गवर्नर, ठीक है और ये है अरविंद केजरीवाल सीएम, ठीक है यहाँ पे लोकसभा है 7 सीटें, ठीक है और राज्यसभा है 3 सीटें, ठीक है 3 सीटें राज्यसभा हैं और 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है और ये विधानसभा के लिए थी, विधानसभा के लिए 36 सीट सॉरी 70 सीटें हैं। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च अफोर्डेबल होम लोन्स स्कीम सरल, ठीक है यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से बताना है कि कौन से बैंक ने सरल स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत होम लोन्स की दिया जाएगा, ठीक है कम रेट पे, ठीक है सस्ते रेट पे दिया जाएगा होम लोन्स, एक इसलिए किया जा रहा है कोविड की वजह से किया जा रहा है, ठीक है कि होम लोन्स कम रेट इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है तो किसके द्वारा होगा, ये होगा HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा होगा, HDFC बैंक के द्वारा सरल स्कीम लॉन्च की गई है ताकि सस्ता होम लोन कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए। ठीक है अगला क्वेश्चन है विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर पद्मश्री अवार्ड बाई आई सॉरी AIFF, ठीक है तो कौन सा प्लेयर को रिकमेंड किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए AIF के लिए। ठीक है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था IM विजयन, ठीक है तो ये होगा आंसर इसका। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व मार्क्स डे, ठीक है तो मार्क्स डे किसने मनाया है जो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनते हैं, ठीक है मास्क, ठीक है तो किसने मार्क्स डे मनाया है तो आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा ए करेक्ट होगा, ठीक है कर्नाटका, ठीक है कर्नाटका के द्वारा मनाया गया है, ठीक है तो कर्नाटका का कैपिटल है, ठीक है बेंगलुरु, ठीक है कर्नाटका की राजधानी क्या है बेंगलुरु, ठीक है वहाँ के गवर्नर हैं वाजू भाई वल्ला, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सारा कुछ, ठीक है हमें पता होना चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है BS येदियुरप्पा, ठीक है ये यहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीट्स कितनी है, 28 है, ठीक है। और यहाँ के राज्यसभा सीट कितनी है, 12 है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है, 224, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं, 75, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन से, अंशी, बादीपुर और बैनरघट्टा और कुद्रेमुख और नागारोहोल, ठीक है, और राजीव गांधी, ठीक है, ये सारे, ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे है अनुपम खेर की ऑटोग्राफी, ठीक है, लिखी गई है, ठीक है, जिसका नाम है लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोविंग, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक है, इनकी ऑटोग्राफी है, ये अनुपम खेर, इनके बारे में बात हो रही थी, इनकी ऑटोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है, जून में। जैसे कि हमने सेशन से स्टार्टिंग में ही, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट को है मिल्क डे, ठीक है, 1 जून को। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसमें आया था गुजरात नंबर 1 पे, ठीक है, गुजरात नंबर 1 पे छोटे राज्यों में से गोवा है, ठीक है। और 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, और 11 जून को मनाया जाता है ग्रीन मिजोरम डे, और 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूगी डे, और 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन आ चुका है सारे एग्जाम का, ठीक है। तो CHSL का एग्जाम है, ठीक है, कब है, नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ में, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में, 17 अगस्त से शुरू है, ठीक है। तो सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्टैटिक जीके भी, ठीक है। तो जैसे कि हम रोज डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।